I am Rachel Acharya, and today we will continue with our chapter Natural Resources. Last session में हमने पढ़ा Natural Resources की meaning के बारे में और Natural Resources क्या कहाँ हैं, जैसे Earth पे present, Atmosphere, Land और Water, ये क्या हैं? हमारे Natural Resources हैं. हमने इनके बारे में पढ़ा कि क्या कितनी percent में present है और कितना यूज हो रहा है वो अर्थ में. आइए पढ़ते हैं हम एयर पोल्यूशन के बारे में. एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका पोल्यूशन. व्हाट डज इट मीन बाय पोल्यूशन? पोल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसी टॉक्सिक चीजों का प्रेजेंट होना हमारे एयर में जो कि हार्मफुल है हमारे और आपके लिए, जो नुकसान पहुंचाता है हमारी और आपकी हेल्थ को. तो एयर पोल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि उसके पोल्यूटेंट्स क्या क्या है, मतलब किस वजह से वो फैलता है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, और कैसे पता चलेगा कि एयर पोल्यूशन बढ़ गया है, मतलब कौन है जो इंडिकेट करता है. तो एयर पोल्यूशन का इंट्रो मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन का मतलब है कि एयर में ऐसे हार्मफुल टॉक्सिक एजेंट्स का प्रेजेंट होना जो एयर में मिक्स होके हमें नुकसान पहुंचाते हैं. ये पोल्यूटेंट्स दो टाइप के होते हैं, गैसियस पोल्यूटेंट्स और एक पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स. गैसियस पोल्यूटेंट्स का मतलब ऐसी गैसेस जो हार्मफुल होती हैं फॉर अस, लाइक जैसे एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदायक है. और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट मतलब कि पार्टिकुलर्स. पार्टिकुलेट का मतलब है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स. वो क्या करते हैं? वो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि ये पॉल्यूटेंट्स हुआ, डस्ट हुआ, ये सब पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में आते हैं. तो पॉल्यूटेंट्स दो टाइप के हैं, क्लियर हो गया. अब इनका इफेक्ट क्या क्या है? देखो, इनके इफेक्ट्स बहुत सारे हैं. पहला, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ बर्निंग फ्यूल. जैसे हम लोग जो गाड़ियां यूज करते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, उसमें जो ये बर्न होता है, उसमें जो ये गैस प्रोड्यूस होती है, ये एयर पोल्यूशन कॉज करती है. एसी, फ्रिज, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही हार्मफुल है फॉर अस. वो एयर में मिलके उसको पोल्यूट करता है. बर्निंग फॉरेस्ट वगैरह के जो बर्न हो जाते हैं, अक्सर जंगलों में जो आग लग जाती है उसकी वजह से जो धुआं निकलता है वो एयर में मिल जाता है, वो पोल्यूशन कॉज करता है. उसके बाद आपने पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा होगा. पॉलन ग्रेन्स कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, क्योंकि हवा एक क्या है, एयर एक पॉलन, उसका पॉलिनेशन का एक वे है बोल सकते हो, कि एयर की वजह से पॉलिनेशन होता है, वो कैरी करवाता है पॉलन ग्रेन्स को. तो उसमें जब पॉलन ग्रेन्स मिक्स हो जाते हैं तो कई लोगों को पॉलन ग्रेन्स से एलर्जी होती है, तो उससे क्या होता है, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है. कार्बन कोल वगैरह जलाना, इस सबसे भी बहुत पोल्यूशन होता है. क्रैकर्स को जलाना, इससे पोल्यूशन होता है. तो ये सारे रीजंस हैं एयर पोल्यूशन के. ओके, इफेक्ट ये है कि कौन से यूज से क्या इफेक्ट हो रहा है. जैसे आपको मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूल के बर्निंग से होता है. तो ये आते हैं इफेक्ट्स. लाइचेंस होते हैं इंडिकेटर्स. आपको मैंने बताया था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कि लाइकेंस होते हैं. लाइकेंस पेड़ों पर ही कैसे होते हैं ना, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं. ये जो है दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल. तो ये इंडिकेट करते हैं कि हवा पोल्यूट हो चुकी है और इसमें पोल्यूशन बढ़ गया. जैसे आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि दिल्ली में काफी स्मॉग हो गया था, मतलब कि धुंध सा रहता था. मौसम गर्मी का है या नॉर्मल है, लेकिन जैसे कोहरा सा छाया रहता था, स्मॉग रहता था. तो वो इंडिकेट करता था कि कितना ज्यादा एयर पोल्यूट हो चुका है. क्यों? क्योंकि वहां पे जो ये व्हीकल्स है इनका यूज बहुत ज्यादा है. तो इनको कैसे थामा जा सकता है, एयर पोल्यूशन को, कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं. क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं, वो CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, हम पेड़ों को काटे नहीं. हम अगर कम डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है तो हम व्हीकल्स का ना यूज करें, हम बाय वॉक या फिर ऐसे इको फ्रेंडली व्हीकल्स का यूज करें जो पोल्यूशन कम फैलाते हो. तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. अब आइए देखते हैं वाटर पोल्यूशन क्या है. वाटर पोल्यूशन, मैंने आपको बताया एयर पोल्यूशन के बारे में कि एयर में हार्मफुल टॉक्सिक चीज़ें मिलके एयर को पल्यूट कर देती हैं
और जो पल्यूट करती है उनको पल्यूटेंट्स बोलते हैं, और उस कॉज को एयर पल्यूशन। सेम एज वाटर में जब पल्यूटेंट्स मिल जाते हैं तो वो वाटर को पल्यूट कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं वाटर पल्यूशन। तो वाटर पल्यूशन के रीजंस क्या क्या हैं? सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, थर्मल पल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पल्यूशन। अब सीवेज से कैसे? ये जो सीवेज है, जो सीवेज सिस्टम है, ये जाके एट लास्ट ओपन होता है पूरे शहर का वेस्ट इकट्ठा करके नदियों में। तो ये जो नाले वहाँ जाके ओपन होते हैं, तो इसमें कितना ज़्यादा वेस्ट और हार्मफुल चीज़ें होती हैं, वो रिवर में मिलके रिवर को पोल्यूट कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म दैट इज फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म्स, उनको क्या होता है, नुकसान पहुँचता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म्स को। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनसे उनके उसमें से भी जो केमिकल वेस्ट होते हैं, जितने भी वेस्ट निकल रहे होते हैं, जो फैक्ट्री में बन रहा है उसका जो वेस्ट होता है, वो भी आके कहाँ मिलता है, नदी में मिलता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड का, राइट, फर्टिलाइजर्स का, तो वो भी वाटर में मिक्स होके वाटर को नुकसान पहुँचाते हैं और वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। थर्मल पोल्यूशन क्या है? थर्मल पोल्यूशन का मतलब वो है कि जो इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज होती हैं वो कूलिंग के लिए वाटर का यूज़ करती हैं, तो जो ये गर्म पानी होता है ये जब निकलता है फैक्ट्रीज से और जाके नॉर्मल पानी में मिलता है तो उसके टेम्परेचर को चेंज कर देता है, क्योंकि जो अंडर वाटर होता है, जैसे जो सरफेस है पानी का, उसके नीचे जो पानी होता है वो थोड़ा ठंडा होता है कंपेरेटिवली, लेकिन जब आके ये मिलता है उसमें तो ये क्या कर देता है, उस पानी के टेम्परेचर को चेंज कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस होते हैं थर्मल पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वजह से, जो कि लगे रहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जो भी वेस्ट निकलता है जब वो पानी में मिलता है तो वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन करता है। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से वाटर पल्यूट होता है। तो इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो डिकम्पोज हो सकें, पानी में भी घुल सकें और नुकसान ना पहुँचाएँ पानी को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को पानी में ना फेंकें जिसकी वजह से उन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को नुकसान ना पहुँचे। तो वाटर पोल्यूशन हो गया। अब आइए देखते हैं कि सॉइल पोल्यूशन क्या है। सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पढ़ा, वाटर पोल्यूशन पढ़ा, सेम है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का मतलब है कि सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, सॉइल की फर्टिलिटी जब कम हो जाती है बिकॉज ऑफ सम पोल्यूटेंट्स, सॉलिड वेस्ट, इन सब की वजह से, तो उसको सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। अब सॉइल पोल्यूशन के रीजंस क्या क्या हैं? केमिकल्स, फर्टिलाइजर, सॉलिड वेस्ट और पेस्टिसाइड्स। केमिकल्स, जो इंडस्ट्रीज से केमिकल्स निकलता है एज वेस्ट और जब वो मिट्टी में जाके मिलता है तो इस सॉइल को वो पोल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थवॉर्म्स जो रहते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते और वहीं डेड हो जाते हैं। सॉइल की जो डिकम्पोजिशन करने की जो कैपेसिटी है वो भी ख़त्म होती है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ जब किया जाता है एग्रीकल्चर में उस फील्ड में, तो भी सॉइल पे पोल्यूशन फैलता है, जिसकी वजह से उसमें जो नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं वो नहीं पनप पाते हैं। सॉलिड वेस्ट, जैसे कि जो डिकम्पोजेबल नहीं है, प्लास्टिक, इस सब का यूज़ हम ह्यूमंस करते हैं। सॉलिड वेस्ट अक्सर निकलता है फैक्ट्रीज और घरों से जो डिकम्पोज नहीं होता है और वो मिट्टी में पड़ा रहता है, सड़ता नहीं है, जिसकी वजह से सॉइल पल्यूट हो जाता है। अब सॉइल पल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया कि फर्टिलिटी ख़त्म होती है। एक और रीज़न है, एक और कॉज है जो होता है सॉइल के साथ, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है, जो सबसे ऊपर लेयर होती है सॉइल की वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, मतलब उपजाऊ होती है, तो जब उसका रिमूव होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड या वाटर, जैसे फ्लड वगैरह आया, उसके जैसे ऊपरी लेयर चली गई, तो वो क्या करता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन के दो रीज़न हो सकते हैं, या तो बहुत आंधी तूफान आया हो, या काफ़ी नदियों का पानी बाढ़ के थ्रू आया हो और वो पानी मिट्टी को बहा ले गया हो। इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? इसके इफ़ेक्ट हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उस पर कोई भी चीज़ उग नहीं सकती,
सेकेंड उस पर होता है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या है कि बालू, जैसे मिट्टी जो है बालू जैसी बनने लगती है, और आपको भी पता है कि बालू में कोई भी पेड़ या पौधा नहीं उगता है। फेमराइंस का मतलब ये है कि जब फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है, जो जो क्रॉप्स ऑलरेडी वहाँ होते हैं या जो प्लांट्स ऑलरेडी होते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं। और लैंडस्लाइड्स होता है, अब जैसे वहाँ पे जो सॉइल था वो लेयर हट गई, तो जब उसकी मजबूती ख़त्म हो गई तो लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, ये हिली रीजन में होते हैं। और फ्लैश फ्लड्स, ये होता है हिली रीजन में। जो ये हिली रीजन के पेड़ होते हैं ये वाटर से जकड़े हुए रखते हैं, रूट से जकड़े हुए रहते हैं वो ज़मीन पे, लेकिन जब पानी का तेज फ्लो होता है वो मिट्टी बहा ले जाता है तो ये वहाँ पे नहीं टिक पाते। तो ये इफ़ेक्ट्स है सॉइल इरोजन का। इफ़ेक्ट्स आपने पढ़ लिए कि सॉइल इरोजन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, अब इनसे प्रिवेंशन कैसे है। प्रिवेंशन लिया जा सकता है एफॉरेस्ट्रेशन करके, मतलब कि पेड़ लगा के, पेड़ों को काटना अवॉइड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए तो वो सॉइल इरोजन को बचा सकता है। जो ये हम कल्टीवेशन करते हैं, जो फार्मर्स वो अगर रेगुलर कल्टीवेशन करते रहें, अगर वो अपनी ज़मीन को अनकल्टीवेटेड ना छोड़ें, तो भी सॉइल इरोजन से हम बचा सकते हैं। सेकेंड, हमको केमिकल्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना है, क्योंकि ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है। इस तरह से हम कुछ स्टेप्स लेके प्रिवेंशन कर सकते हैं। हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग की जा सकती है। टेरेस फार्मिंग क्या है कि वो स्टेप फार्मिंग बोलते हैं, स्टेप्स ऐसे बना लिए जाते हैं और उस पर फार्मिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए तेज़ फ्लो आ रहा है पानी का, वो मिट्टी को बाहर ले जा रहा है, तो भी वो बाई फ्लो कहीं ना कहीं आके किसी ना किसी स्टेप पे ऐसे रुकता जाएगा, जिसकी वजह से फार्मिंग ईजली हो सकती है। और एक और है कि जो हम बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ करके बैरियर बना दें नदी के किनारे, अगर आपकी वहाँ पे खेती है, खेत वगैरह है, तो अगर आप उसके किनारे बैरियर बना दोगे तो वो पानी फ्लो इधर आ नहीं पाएगा तेज़ फ्लो, जिसकी वजह से आपके एग्रीकल्चरल फील्ड को नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं सॉइल इरोजन से बचाने के लिए। तो इस तरह से हमारा सॉइल पोल्यूशन भी कम्प्लीट होता है। वाटर साइकिल, अब वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल का मतलब है कि ये जो बारिश होती है, ये बारिश होती कैसे है, बादल कैसे बनते हैं, यही पढ़ेंगे हम वाटर साइकिल में। तो वाटर साइकिल में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि है इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। अब इसमें समझने के पहले हम समझते हैं इवापोरेशन और कंडेंसेशन क्या है। जैसे मान लो कि आपने पानी चढ़ाया गैस पे, वो बॉयल होना शुरू हुआ, खोलना शुरू हुआ, ठीक है, और खोलते टाइम आपने उस पर एक प्लेट ऐसे रख दी, गैस बंद कर दीजिए, खोल रहा है पानी, भाप निकल रही है उस पर, और आपने उसको एक प्लेट से ढांप दिया। जब आप वो प्लेट हटाओगे तो आपको दिखेगा प्लेट पे छोटी छोटी बूंदें। तो ये जो भाप बनी, जो वेपर्स बने, इस वेपर्स बनने के फॉर्म को बोलते हैं इवापोरेशन। और जो वहाँ पे भाप ठंडी हो गई, प्लेट पे जम गई इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, उसको बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन। अब ये नेचर में कैसे होता है, आओ देखते हैं। जब सन यानी कि सूर्य की किरणें धूप की वजह से पानी पे पड़ती हैं, जो रेज होती हैं सन की, जब वो वाटर पे पड़ती हैं, सरफेस वाटर मतलब रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, या फिर जो पानी ऐसे हम लोग धुल के घर वर धुलते हैं और हम वहाँ बाहर फेंकते हैं, गाड़ियाँ धुलते हैं, जो पानी ज़मीन पर रह जाता है वो क्या होता है, वो इवापोरेट हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में। ट्रांसपिरेशन लिखा है मैंने यहाँ पे। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि वाटर जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम नेचर, ठीक है, फॉर देयर यूज़, लेकिन जो एक्सेस वाटर होता है वो अपने एरियल पार्ट, मतलब जो ओपन पार्ट है, एपिकल पार्ट है, उससे निकाल देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन। ये जब वाटर जो निकलता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वो भी वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है। तो ये जितने भी वेपर फॉर्म में अर्थ से वाटर निकलता है वो जाता है ऊपर। ऊपर जाने पे क्या होता है, वो मिल जाता है डस्ट से, वहाँ पे डस्ट प्रेजेंट होती है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उससे मिल जाता है, और ये मिलके क्या बना देते हैं, बादल बना देते हैं। और फिर ये बादल जब बनते हैं तो ये क्लाउड्स हवा के साथ बह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हवा काफ़ी तेज़ होती है,
और जब रेन होनी होती है तो ये वाटर गिरा देते हैं, मतलब ये क्लाउड्स रेन कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। वो रेन भी हो सकता है, वो स्नोफॉल भी हो सकता है, वो हेल्स का गिरना, हेल्स मतलब ये जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं जब ठंडी में बारिश होती है। तो ये है आपकी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या 3 मेन स्टेप इन्वॉल्व है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इस तरह से एक साइकिल फॉर्म होता है कि बारिश हुई, फिर ये वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ गया, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर बारिश हुई। तो आई होप आपको वाटर साइकिल समझ में आई होगी। आई होप दिस टू कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।